नमस्कार, मैं शिवांगी। सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आई नजर डालते हैं आज के दिन की बड़ी खबरों पर। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन होगा 18 नवंबर को। पराली न जलाने वाले किसानों के लिए 19.09 करोड़ रुपए का मुआवजा पंजाब सरकार ने किया जारी, खेतों में भेजी गई राशि। आम आदमी पार्टी पंजाब प्रधान भगवंत मान का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कटाक्ष, कहा सबसे लापरवाह मुख्यमंत्री। अमृतसर में बनाया जाएगा 18 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब नकली दूध और घी से बनने वाले पदार्थों पर लगेगी रोक, प्रशासन ने कसी लगाम। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में शरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच, वोटरों को ले जा रही बसों पर गोलीबारी और पत्थरबाजी। दिल का दौरा पड़ने से गोवा के डीजीपी प्रणव नंदा का निधन, 2 दशक तक की देश की सेवा। धोखाधड़ी के आरोपी का केस खत्म करने की दी धमकी, मंत्री स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल। आज खुल जाएंगे सबरीमाला मंदिर के कपाट, महिलाओं के प्रवेश के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जहरीली और दमघोटू हुई दिल्ली की हवा, हेल्थ इमरजेंसी के बीच एक याऊ आई 400 के पार। सरकार गठन की कोशिशों के बीच आज राज्यपाल से मिलेंगे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता। यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी खारिज, राहुल गांधी को बड़ा झटका। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम में विरोध प्रदर्शन जारी। पंजाब भर में धान की लिफ्टिंग में संगरूर सबसे आगे, हो चुका है करोड़ों का भुगतान। पाक से लौटे सिख श्रद्धालुओं को कस्टम ने किया गिरफ्तार, मिला आपत्तिजनक सामान। सिंध के ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। संगरूर के नजदीकी गांव कमालपुर में नगर कीर्तन में हवाई फायरिंग करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, एसएचओ का तबादला। पाक पीएम इमरान खान बोले, मैंने भारत से संबंध सुधारने की हर संभव की कोशिश। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, 60,000 पुलिस कर्मी सुरक्षा के लिए तैनात। संसद में झूठ बोलने के मामले में ट्रंप के सलाहकार रोजर दोषी करार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात दिन की बड़ी खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी शिवांगी को दे इजाजत, धन्यवाद।